चार लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इन चार लाइन्स को जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये चार लाइनें जो है वो वैगनर के म्यूजिक ड्रामा से ली गई है, जिसका टाइटल है ट्रिस्टन एंड इजोल्ड। ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रोनंसिएशन है वो इजोल्ड है, जर्मन ये कैरेक्टर है। ये जर्मन सॉन्ग है, टायरेसिस एक जर्मन सॉन्ग सुनता है, और इस गाने को एक लवर ने गाया अपनी बीलवड के लिए, और बीलवड एक आयरिश गर्ल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहले हम इस जर्मन सॉन्ग का मतलब समझ लेते हैं कि आखिर ये किसके बारे में है। ये एक लवर ने अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड के लिए गाया है, जिसका वो इंतज़ार कर रहा है समुद्र के किनारे पर, और वो काफ़ी लेट हो चुकी है। तो वो कहता है, द विंड ब्लोज फ्रेश टू द होमलैंड, ओ माई आयरिश गर्ल वेयर डू यू लिंगर। फ्रेश हवा बह रही है होमलैंड की तरफ, ओ मेरी आयरिश गर्ल तुमने इतनी देरी कहाँ कर दी। अब हम मतलब देख लेते हैं इन वर्ड्स का। फ्रिज का मतलब है फ्रेश, वेट का मतलब है ब्लोज, डेर डेर दी आर्टिकल के लिए यूज किया गया है, विंड तो विंड है ही, हैमट होमलैंड के लिए यूज किया गया है, जू इट मीन्स टू, मेन माय ओ माय, आयरिश आयरिश के लिए यूज किया गया है, किन का मतलब है यहाँ पर गर्ल, वो वेलिश डू, इस फ्रेज का मतलब है वेयर डू यू लिंगर, मतलब तुमने इतना वक्त कहाँ लगा दिया, तुमने इतनी देरी कैसे कर दी। टायरेसिस एक सॉन्ग सुनता है, और ये सॉन्ग आपको बताया गया है किसने गाया है, एक लवर ने गाया है अपनी बी लवड के लिए, और बी लवड एक आयरिश गर्ल है। अब हम एक एक वर्ड का मतलब देखते हैं। फ्रीज वेट डेर विन, डेर विन द विन, वेट ब्लोज, फ्रीज फ्रेश, द फ्रेश विन ब्लोज, डेर हैमट जू, हैमट होमलैंड, जू टू होमलैंड की तरफ, मैन माय आयरिश किन गर्ल मेरी आयरिश गर्ल, वो वेलिश डू वेयर डू यू लिंगर तुमने इतना वक्त कहाँ लिया है, तुमने इतना वक्त कहाँ लगा दिया, तुमने इतनी देरी कैसे कर दी है। तो एग्जाम में ये तो पूछा ही जा सकता है कि ये रेफरेंस कहाँ से ली गई। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि सॉन्ग को किसने गाया या स्पीकर कौन है। इसके लिए आपको एक एक लाइन को बड़े ध्यान से समझना होता है। अब इन चार लाइनों का स्पीकर जो था वो एक लवर था, और आगे की लाइन का स्पीकर जो है वो आयरिश गर्ल है, ध्यान रखिएगा। अब जब उसकी बीलवड आ जाती है तो वो अपने लवर को कहती है, यू गेव मी हायसिंथ फर्स्ट अ ईयर अगो, दे कॉल्ड मी द हायसिंथ गर्ल। यू यहाँ पर यूज किया गया है उस लवर के लिए, मी यहाँ पर यूज किया गया है आयरिश गर्ल के लिए। हायसिंथ एक स्प्रिंग फ्लावर है जो लिली फैमिली का है, हालांकि इससे एक मिथोलॉजी भी जुड़ी हुई है ग्रीक, वो हम आगे देखेंगे। दे यहाँ पर पीपल के लिए यूज किया गया है, मी एक बार फिर आयरिश गर्ल के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर स्पीकर जो है वो एक आयरिश गर्ल है, वो अपने लवर को बताती है कि उसने उसे एक साल पहले हायसिंथ के फ्लावर दिए थे, और उन हायसिंथ के फ्लावर का ऑर्नामेंट करके उसने पहना था, यही वजह है कि लोग अब उसका मजाक बनाने लगे और उसे हायसिंथ गर्ल कहकर पुकारने लगे। इसे वो एक इंसल्ट फील कर रही है। हायसिंथ के साथ ग्रीक मिथोलॉजी क्या जुड़ी हुई है, हायसिंथ जो है वो हायसिंथ नाम का एक कैरेक्टर था, एक यूथ था जिसके ब्लड से पैदा हुआ है, क्योंकि उसे एक्सीडेंटली अपोलो के द्वारा मार दिया गया था, और अपोलो ने उसके ब्लड को फ्लावर में ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसका नाम दे दिया हायसिंथ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि जब लवर अपनी बिलव्ड से कहता है कि उसने देरी कहाँ लगा दी, तो वो आके अब बताती है कि तुमने मुझे एक साल पहले जो हायसिंथ के फ्लावर दिए थे और उन फ्लावर को मैं पहनने लगी थी आभूषण की तरह, यही वजह है कि लोग मेरा मजाक बनाने लगे और मुझे हायसिंथ गर्ल कहने लगे। तो इनका स्पीकर जो है वो एक आयरिश गर्ल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरा, ट्रिस्टन और इजोल्ड ये जो रेफरेंस जो है ये कौन से पार्ट में है, द बरियल ऑफ द डेड में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे की लाइन में स्पीकर एक बार फिर चेंज हो जाता है, अब आयरिश गर्ल स्पीकर नहीं है बल्कि वो लवर स्पीकर है। येट वेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हायसिंथ गार्डन योर आर्म्स फुल एंड योर हेयर वेट, कि जब हम हायसिंथ गार्डन से लौटे थे हमें काफ़ी देरी हो गई थी और तुम्हारी बाहें हायसिंथ फ्लावर से भरी हुई थी, तुम्हारे बाल जो थे वो गीले थे। वी यहाँ पर यूज किया गया लवर एंड हिज बिलव्ड के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आर्म्स फुल का मतलब है हायसिंथ फ्लावर से भरी हुई बाहें। हेयर वेट, यहाँ पर हेयर जो है वो बिलव्ड के हैं, आयरिश गर्ल के हैं, जिसके बाल इवनिंग ड्यू की वजह से गीले हो गए हैं, कि जब हम हायसिंथ गार्डन से देरी से लौटे तुम्हारी बाहें हायसिंथ फ्लावर से भरी हुई थी
ओस की बूंदों से तुम्हारे बाल गीले हो चुके थे। आई कुड नॉट स्पीक, मैं कुछ नहीं बोल पाया। एंड माई आईज फेल्ड, फेल्ड का मतलब है फिल्ड विथ टीयर्स, मेरी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। आई वॉज नाइदर लिविंग नॉर डेड, मेरी ऐसी हालत थी कि ना मैं जिंदा था ना मुर्दा था। एंड आई न्यू नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता था। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, लाइट का मतलब है यहाँ पर इनर मोस्ट ग्लो ऑफ द फेस ऑफ द आयरिश गर्ल, आयरिश गर्ल के चेहरे पर जो चमक थी उसके लिए लाइट यूज किया गया है। द साइलेंस ऑड अंडर ली डास मी, ये जर्मन फ्रेज है, इसका मतलब है डिसोलेंट एंड एम्प्टी इज द सी। अब इसको हम थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। यहाँ पर स्पीकर जो है लवर है, वो कहता है कि जब वो दोनों लौटकर हाइसिंथ गार्डन से आए थे इवनिंग में, काफ़ी लेट थे, उसकी बिलव्ड की बाहें हाइसिंथ फ्लावर से भरी हुई थी, शाम की ओस से उसके बाल गीले हो चुके थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी बिलव्ड इतनी हार्टेडनेस कैसे शो कर रही है, इतनी बेरुखी कैसे शो कर रही है। इससे उसे काफ़ी बड़ा सदमा लगा, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, वो कुछ नहीं बोल पाया, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। ऐसा लग रहा था ना वो जिंदा है ना मर रहा है। और हाइसिंथ के फ्लावर्स का जो गिफ्ट उसने दिया था अपनी बिलव्ड को, उस पर वो चीयरलेसनेस शो कर रही थी, बेरुखी शो कर रही थी, कोई प्रकार की खुशी उसे नहीं मिल रही थी। लवर ऐसा महसूस कर रहा है कि सी ऑफ हिज लाइफ जो है वो अब निर्जर हो चुका है, खाली हो चुका है, मतलब उसके जीवन का समुद्र जो है वो अब सुनसान खाली लग रहा है। इसका मतलब ये है कि वेस्टलैंड में लव का कोई स्थान नहीं है, प्रेम का कोई स्थान नहीं। हालांकि उस लवर ने अपनी बिलव्ड को हाइसिंथ के फ्लावर गिफ्ट किए थे, लेकिन उसकी बिलव्ड ने इस पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। ये लाइन जो है ऑड अंडर ली डास मीर, ये भी वैगनर के म्यूजिकल ड्रामा यहीं से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ट्रिस्टन एंड इजोल्ड से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाइसिंथ गार्डन का जो सीन है वहाँ पर एक लवर और एक उसकी आयरिश बिलव्ड मिलते हैं, वो उसे हाइसिंथ के फ्लावर गिफ्ट करता है, लेकिन इस पर वो कोई प्रकार की खुशी जाहिर नहीं करती है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हाइसिंथ गार्डन का जो रेफरेंस है वो कौन से पार्ट में, द बेरियल ऑफ द डेड पहले पार्ट में ही चल रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम डिस्कस करेंगे आगे की लाइन, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।